এনআরসি ও ক্যাবের বিরুদ্ধে জয়গা দুনো অঞ্চল তৃণমূল কংগ্রেসের পক্ষ থেকে জয়গা সুপারমার্কেট দুর্গা মল্লব মূর্তির পাশে অবস্থান বিক্ষোভ করা হয়। সারা দেশের সাথে এই রাজ্যেও ধারাবাহিক আন্দোলন চালাচ্ছে তৃণমূল কংগ্রেস এনআরসি ও ক্যাবের বিরুদ্ধে। সোমবার জয়গা দুনং অঞ্চল তৃণমূল কংগ্রেস নেতৃবর্গ ও কর্মীরা সুপারমার্কেট চৌপতি শহীদ দুর্গা মল্লব মূর্তির পাশে অবস্থান বিক্ষোভ করেন। এদিনের অবস্থান বিক্ষোভে শরিক হন আলিপুরদুয়ার জেলা পরিষদ মেন্টর মোহন শর্মা, কালচিনি ব্লক সভাপতি বাবলু মজুমদার। এদিনের এই অবস্থান বিক্ষোভ সভা থেকে এনআরসি ও ক্যাব যে কত ক্ষতিকর ও ভয়ানক তা তুলে ধরেন। আসামে যে 19 লক্ষ নাগরিক নাগরিকত্ব হারিয়েছে এনআরসির মাধ্যমে, তাদের জোরপূর্বক ডিটেনশন ক্যাম্পে ঢোকানো হয়, এই সমস্ত কথা তুলে ধরেন। এমনকি এনআরসি ও ক্যাব শুধু মুসলিমদের জন্য ক্ষতিকর তা নয়, হিন্দু, বৌদ্ধ, শিখ, খ্রিস্টান, গোর্খাদের জন্য ক্ষতিকর, তারাও দেশ ছাড়া হবে। ক্যাবের মাধ্যমে ভারতবাসী নাগরিকত্ব হারাবে, বাংলাদেশ, পাকিস্তান ও আফগানিস্তানের নাগরিকরা নাগরিকত্ব পাবে, এই সমস্ত বিষয় তুলে ধরা হয়। মঞ্চে উপস্থিত ছিলেন জয়গা দুনং অঞ্চল সভাপতি সানু লামা, মাফিদুল ইসলাম, গণেশ প্রধান, বঙ্গের লামা, পূর্বা লামা সহ প্রমুখেরা। लाख के आसपास मुस्लिम बंगाली, 1,80,000 के ऊपर गोरखा, 67,000 आदिवासी, यहां तक कि 1154 बिहार मारवाड़ी भाई लोग भी है। ये क्यों, ये किस लिए, मैं आप लोग के सामने में प्रश्न रखना चाहता हूं। आसाम में हिंदू बंगाली को फिराया गया, भगाया गया, तो आज यहाँ भी नहीं होगा, इसमें कोई शक नहीं है, ये जरूर होगा। अमित शाह ने तो बोल दिया, बंगाल को ही टारगेट करके अमित शाह आगे बढ़ रहा है ताकि बंगाल को शेष किया जाए। देखिए, एक वो गुंडा है, भारत का तो गुंडा, एक नरेंद्र मोदी, दूसरा अमित शाह, एक दो गुंडा मिलके ये भारत को 1947 में विभाजन हुआ था और एक बार विभाजन के कगार पे इस देश को लाया। ये आज हम लोग को समझना पड़ेगा, ये दो गुंडा मिलके देश को बर्बाद कर रहा है, हम लोग को एकजुट होना चाहिए। एक चीज देखिए, आसाम का एक एमपी थे, वो अभी 1.5 साल पहले गुजर गए, उनका नाम था मणि कुमार सुब्बा। मणि कुमार सुब्बा 7 बार निर्वाचित हुए थे तेजपुर क्षेत्र से। तेजपुर में 2 सीट है, एक में संतोष मोहन देव जीता करते थे, एक में मणि कुमार सुब्बा, 7 बार के एमपी। आज पार्लियामेंट में वो एक गोरखा संतान को बोला जा रहा है कि वो विदेशी है, वो नेपाल का है, वो बांग्लादेशी को ठुका रहा है। आसाम में आज भी अशांति करने का मूल में मणि कुमार सुब्बा है, ये आप लोग ने पेपर पे भी पढ़ा होगा, आप लोग ने फेसबुक पे भी देखा होगा, ये चीज आज आसाम में चल रहा है। यदि 7 बार का जो एमपी 49 साल अपना जीवन का 49 साल पार्लियामेंट में गुजारा, आज वो एमपी को सुनना, वो एमपी जो गुजर गया उसका परिवार को सुनना पड़ रहा है कि वो आज विदेशी है, वो नेपाल का नागरिक है। तो भाई और बहनों, यहाँ जितने भी हम लोग है, हम लोग कोई भी नहीं बच पाएंगे, कोई भी नहीं बच पाएंगे। हमीरगंज में बाबूदा ने बोले, एक बुद्धिजीवी ने मुझको आगे बोला, मोहन जी यदि एनआरसी लागू हुआ तो हमीरगंज में 72% नागरिक को यहाँ से भागना पड़ेगा, यहाँ से जाना पड़ेगा। ये स्थिति यदि वहां बदतर हुआ तो यहाँ पर मेरा ख्याल से 90% ही होगा, यहाँ आपका जाएगा होगा। इसीलिए आपका ये जो हम लोग का अवस्थान है, पूरे कालचिनी में 7 जगह पे राजा भक्तवा से लेकर जाएगा उनका 7 क्षेत्र में हमारा ये सुबह से 10 बजे से लेकर 4 बजे का अवस्थान चल रहा है। ये हम लोग का शांतिपूर्ण हिसाब से हम लोग का आंदोलन है। मैं अनुरोध करूंगा आप सबसे,
हम लोग जो भी आंदोलन करेंगे गांधीवादी हम लोग हैं, गांधी के नियम पे चलने वाले हैं, हम लोग शांतिपूर्ण आंदोलन हम लोग करेंगे। आज आज हमारी नेत्री ममता बनर्जी कलकत्ते पे आज पहली बार उतर रही है, आज कल और परसों बंगाल में ममता बनर्जी है। जब तक बंगाल में हमारी नेत्री है तब तक एनआरसी व सीएबी का कोई भी जगह पश्चिम बंगाल में नहीं है। यहाँ तक आज का दिन में मध्य प्रदेश नकार दिया, केरल ने नकार दिया, छत्तीसगढ़ ने नकार दिया। अभी अभी कल खबर हुआ है बिहार में भी नीतीश कुमार ने भी नकार दिया कि हमारा राज्य में एनआरसी नहीं होगा। अरे मोदी तुम एनआरसी करोगे तो कहाँ करोगे? दिल्ली भी बोल दिया हम एनआरसी नहीं मानेंगे तो कहाँ करोगे? मुस्लिम लड़ाई छोड़ेगा, हिंदू बंगाली को लड़ाई पर जा और जहाँ तुमने लड़ाई छा तो यह गोरखा है को लड़ाई आज कुन स्थिति में जाने सा मैं भरे 180,000 जदि आसाम बड़ा खेदिए बंदे के दोस्त में पति लाख हो जाओगा पहाड़वा आज बीजेपी को ये नहीं चार जाना शीर्ष स्थानीय नेता है ने बीजेपी बड़ा रिजाइन करे हिजो इसको विरोध में बीजेपी बड़ा उन्होंने रिजाइन कर रहा चुपचाप सर कि बीजेपी को ये नीति लेकर जाके दी इसको दिन नहीं परदेश आगामी दिन में हमी माथि नजर राख्नु पर्छ। म गोरखा भाई बहनी भन्न चाहन्छु म घर बसेर मलाई त के र गणेश भाइले भन्दै नेपालीहरूको मनमा त्यही भएको छ मलाई के हुन्छ तर जब हुन्छ पल्लो घरमा आगो लागेपछि तिम्रो घरमा पनि आगो लाग्न टाइम लाग्दैन यो कुरो हामीले ख्याल राख्नुपर्छ आगामी दिनमा यो कुरो ध्यान राख्नुहोस् यो कुरो ख्याल राख्नुहोस्। বেশ কিছুদিন ধরে আমরা আপনারা লক্ষ্য করেছেন যে আমরা আন্দোলনে নেমেছি আমাদের রাজ্য তৃণমূল কংগ্রেসের নির্দেশে, আমাদের জেলা তৃণমূল কংগ্রেসের নির্দেশে। আমরা কিছুদিন আগে এখানে জয়গা 2 নম্বর অঞ্চল থেকে বাইক র্যালি করে আমরা হ্যামিল্টনগঞ্জ কালীবাড়ি দিকে শেষ করেছি। আমরা গত 2 দিন আগে কালচিনি ব্লকের লতাবাড়ি অঞ্চলে হ্যামিল্টনগঞ্জ শহরে মোহন শর্মার নির্দেশে মশাল মিছিল হয়েছে। আজকে মোহন শর্মার নির্দেশে আমাদের সকল নেতৃত্বরা আমাদের জয়গা 2 নম্বর অঞ্চলে দুর্গা মাল্লু স্ট্যাচুর সামনে আমাদের হাসিমারা চৌপতিতে হ্যামিল্টনগঞ্জ বাজারে কালচিনিতে কার্গিল মোড়ে জয়গাঁও সরি রাজাবাদ খাওয়া দমনপুর অঞ্চলে আমাদের সব জায়গাতে আজকে অবস্থান শুরু হয়েছে। কি কারণে আজকের এই অবস্থান? Hello Jaigaon, the wait is finally over. Pantaloons is celebrating its grand launch on 20th December. Visit us at NS Road near Jaigaon Police Station. Pantaloons, style your change. Save the date, 20th December. Himalayan Optics, Eye Care and Contactless Clinic, Computer Eye Testing, हर तरीके की Power Glasses, Branded चश्मा और हर तरीके की Stylish Sunglasses उपलब्ध है। तो आज ही आइए Himalayan Optics, हनुमान मंदिर रोड जयगांव। Contact Number 03566265101।
কিচেন গ্যালারি, এক্সক্লুসিভ শোরুম ফর মডিউলার কিচেন, অ্যাকুয়ারিয়াম, ফিশ অ্যান্ড প্যাটস, গ্লাস কর্নার, এমজি রোড, জয়গাঁও। Boone English School at Netaji Palli, Hamilton Ganj, affiliated to CISCE New Delhi for ICSE Class 10 and ISC Class 12. Admission is going on for the new session from classes nursery to class 9 and class 11. For more details, please contact the school's office at 7478356243 and 6297256116.